सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैं चली गई, मैं अभी लेबर वॉक पे और नमाज पढ़ने के बाद वॉक पे, और घर आकर कोई नींद आई जैसे कोई नशा किया। मैं अभी उठी और ज़बरदस्ती उठी हूँ, उठने का दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा सो जाऊँ। इस तरह की नींद है, इतनी थकावट और जिसम अजीबता हो रहा है। काफ़ी महीनों बाद वॉक शुरू की बड़ा बुरा हाल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और शब्बू मारी ये भी वाक, इनकी तो सारा दिन वाक होती रहती है। मैं कौन फटाफट नाश्ता बनाइए, नाश्ता करिए तो फिर बाकी अपने रूटीन के बाद चलिए। कल ये मुझे अच्छे से कच्चे आम मिले, गली में आया था एक बंदा, ये नो थोड़े नरम नरम हो गए। मैं क्या समझ नहीं आ रही, ऐसे अचार का मौसम तो चले गया, बरसात का मौसम हो गया, तो तूने मेरे से अच्छे काम करने होते हैं ना। अब सोच इनकी चटनी बना लूँ कि अचार डालूँ, मगर अचार का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बरसात का मौसम हो गया। अब अचार डाला तो ये वैसे नरम भी हो गए, बड़ी बड़ी कल से ना थोड़ी थोड़ी नरम हो गई। अब इनके हम बनाएंगे हम चटनी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कच्चे आम की चटनी। वैसे आप गर्मियों में वाकई चीज़ें बना के रखें ना, तो नाश्ते वगैरह में स्लाइस पर लगाते हुए पराठे वगैरह बड़े मज़े के लेते हुए, मेरी हो गई चटनियाँ ख़त्म और मुझे नाश्ते का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा सुबह के टाइम, क्योंकि कोई चटनी नहीं है। तो कल ही मैं याद कर रही थी तो गली से एक फेरी वाला गुजरा, वो मोटरसाइकिल पर बेच रहा था, बड़ा अच्छे थे ये कच्चे आम। फिर मैंने उससे लिए, मैं कह चले आज बना दे मज़ेदार चटनी। और एमरजेंसी कपड़े भी मैंने जुमे को देने हैं, जुमे को मैंने लाहौर वो भेजने कपड़े, और ये भी मैंने बनानी है, सारे काम करने हैं, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। मेरी वर्कर जैसे उठ के जाती है ना, मैं भी फिर सुस्त हो जाती हूँ। फिर मैंने 5-6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी स्टिचिंग करने को दिल नहीं जाता है, कि गर्मी की वजह से बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। वो गलाएँ गिर जाने पर नाश्ता कर लिया। आज आप तैयार हैं इतिहास रचाने के लिए? मैंने पहले खाना। आज आप तैयार हैं इतिहास रचाने के लिए, क्योंकि आज आपका मैट्रिक का रिजल्ट है। तो क्या किस बात की हार मान ली है? ये हाथों ने हार नहीं मान ली है, चपेड़े बहुत पड़नी है ऐसे ऐसे करके। दिल वैसे ना मैं बिल्कुल अब भूली हुई कि मैं नाश्ता बनाने में लग गई, तो हदील अभी दही लेकर आई है। तुम्हारे नेबर में जो है ना, उन्होंने इसको बुला के कहा बेस्ट ऑफ लक बेटा, कहती मामा मुझे फिर याद आया मेरा रिजल्ट है, मैं वही भूली हुई सुबह दी। आज देखो मेरी हदील की इतिहास रचाती है, भी दसागे तो रिजल्ट कैमें आया, इन्ना अच्छा आया, तुम खामोश रहोगे, अच्छा आ गया तुम दस दें। अलहमदुल्ला जी मेरा नाश्ता हो गया, अब हदील जान कर रही है, ज़रा फ्रेश हो रही है, फिर उसके बाद रिजल्ट आने वाला। कितने मिनट रह गए रिजल्ट आने में? टन टिक टिक, घड़ी की टिक टिक चल रही है। और आप बता दो कितने मिनट रह गए रिजल्ट आने में? सजदे डिगिए, फिर वजू शजू कर लिए हैं, रिजल्ट मैंने तो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। मैं तैयारी कर ला, बैग बांध ला अपना, बैग शैग बांध ला अपना, एक जूता भी मैं जरा तेल छेल लगा के रख लेती हूँ तेरी फेंट लगाने के लिए। चल ठीक है। हाँ जी कितने मिनट रह गए रिजल्ट आने में? कितने मिनट रह गए हैं दिल जान? 31 मिनट रह गए हैं। आ लो जी 80, टाइमर भी ऑन, नज़र नहीं आ रहा जरा, क्रोम बुक टाइमर भी ऑन किया है। हाँ अब जो भी है जो भी है, उससे पहले हम गाने भी सुन रहे हैं, अब देख लो 33 मिनट रह गए हैं जी इतिहास रचाने में। क्या हदील इतिहास रचाती, देखते हैं आज। हाँ हाँ नींद आ रही है, सही रिजल्ट आ गए तो बाद सोना ही है। अगर आंटी ना बताती ना तो हम जैसे बैठे होते, बिल्कुल याद नहीं था कि आज रिजल्ट। सुबह जब मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया ना, मेरे दिमाग था कि कल हमने बातें की हैं, सुबह वॉक से आने के बाद मैं ऐसी नींद मुझे आई, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आज इसका रिजल्ट है। मैं जा रही थी लेने, आंटी ने मुझे बुलाया, कहती है मेरी बात सुना, मैंने कहा हाँ जी, वो कहती है कि बच्चे तैयार हो रहे हैं, पीछे से बाइक भी गुजरी थी तो मुझे इनकी बात की फिर समझ में, मैंने कहा अच्छा, फिर वो कहती है चलो गुड लक, मैंने कहा अच्छा, फिर जब मैं सोचती मैंने कहा ओ आज तो रिजल्ट है, आज तो रिजल्ट है, और हदील जान भूली हुई थी रिजल्ट अपना। चले जी अब 33 मिनट रहते हैं, उसको देखते हैं उतनी देर में। 33 नहीं अब तो 30 है। दुआ करती हूँ इंशाल्लाह तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। क्या टाइम रह गया? 1 मिनट रह गया, बल्कि 0 टाइम खत्म। अब जी रिजल्ट
निकलेगा है ना। 45 सेकंड, 44 सेकंड, अभी भी हैं 38 सेकंड। अभी निकलेगा तो नहीं, भी निकालना पड़ेगा ना। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। Should I go sleep? Maybe this is a dream. नौ सेकंड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 खत्म। चलो अपना रोल नंबर डालो। यहाँ पर जरा मूव करते हैं सब कुछ, रिजल्ट देके फिर आपको बताते हैं। अभी टाइम है, साइट पे बहुत ज़्यादा रश होगा ना। चले जब भी ओपन नहीं हो रही है तो मैं फिर चलती हूँ अपने काम पे। आज मेरी वर्कर भी नहीं है तो मैंने काफ़ी काम करना, फिर जब रिज़ल्ट जैसे ही इस पे आ जाएगा तो फिर मुझे बता देना है। शब्बो तक कोड़े बेच के सुती हुई है। कहानी जी खोल के देखने लग पे हैं। लॉन्जी के ऊपर हमने मलमल की ठंडी पट्टियाँ डाल दी ताकि इसको गर्मी ना लगे ज़्यादा ना, इतना तेज़ इसको सांस चल रहा है। चल सो जाओ, सो जाओ। हम आ गए अपने रूम में काम करने के लिए। ये कुछ डिज़ाइन है, ये जैसे कंप्लीट होंगे ना फिर मैं आपको सारे ये डिज़ाइन चेक करवाऊंगी। हाँ जी, क्या बना? कितने नंबर आए मैट्रिक में? 819। तो टोटल है ना, तो टेंथ में कितने बने हैं? 434। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। अब मैं अपना जूता जो मैंने तेल लगा के रखा था ना वो मैं साइड पे कर ली थी। तुम भी अपना बैग खोल दो जो कपड़ों से भर लिया था। मैंने कहा था तुझे मैंने भेज देना जाके मेहनत मजदूरियाँ करो, दिखाओ भी। हाँ हाँ जी, चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करो, शुक्राने के नफल अदा करो। पास होगी, दाखिला तेरा हो जाएगा उन। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी बेटी पास होगी, 434 इसके टेंथ में नंबर आए। नाइन्थ में तो इसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और टेंथ के फाइनल एग्जाम से पहले मैंने इसको एकेडमी भेजना शुरू किया था। 2 माह एकेडमी गई है, 2 माह की इसकी मेहनत है सिर्फ। अगर पूरा साल पढ़ लेती तो इससे ज़्यादा इसके अच्छे नंबर आते। ये बहुत अच्छी जहीन बच्ची है मगर पढ़ाई से भागती है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। चले जी, शुक्र है, अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और मुझे थोड़ी सी खुशी भी होगी। अब खुशी खुशी मेरा काम भी ज़रा अच्छा हो जाएगा। चलो मुबारक हो दीला आपको, आप पास हो गई हैं, तुझे साड़ी नक का ख्याल कर लिया वो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। मैंने अपने बच्चों पर कभी कोई इतना खास कभी प्रेशर नहीं डाला था, इतने नंबर लाओगे तो फिर ही कबूल होगा, मारूंगी ये। मैंने पेपरों को लेकर अल्लाह पर थोड़ी सी सख्ती की थी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि इससे बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई से भी मजीद भागता है, और कुछ खास रिजल्ट नहीं आते, एक तो उनके दिमाग पर ज़्यादा इन चीज़ों का इफेक्ट होता है, तो फिर मैंने इनके सामने ये चीज़ें करनी बंद कर दी थी। मैंने कहा जितनी इनको अच्छे तरीके से समझाना, जितनी आप मेहनत कर सकते हो बेटा, आप जो जितने भी नंबर लो लेकिन आपके अच्छे पास मार्क्स होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह।